मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप है रिपब्लिकन पार्टी के है, मेरे पार्टी का भी नाम रिपब्लिकन पार्टी है, तो मुझे बहुत बड़ा आनंद है कि वह डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़े लेसिंग नेता है और वो मतलब वहां चुनकर आए हैं और वहां जो हिंदू समाज का जो इंडियन लोगों का जो वोट है, हिंदू हो या मुस्लिम हो या दलित हो, वहां पूरे इंडियन लोग जो है इंडियन लोगों का वोट उनको मिला है। We're not going to take it anymore. Kamala, you're fired. Get the hell out. Get the hell out. मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप है रिपब्लिकन पार्टी के है, मेरे पार्टी का भी नाम रिपब्लिकन पार्टी है, तो मुझे बहुत बड़ा आनंद है कि वह डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़े लेसिंग नेता है और वो मतलब वहां चुनकर आए हैं और वहां जो हिंदू समाज का जो इंडियन लोगों का जो वोट है, हिंदू हो या मुस्लिम हो या दलित हो, वहां पूरे इंडियन लोग जो है इंडियन लोगों का वोट उनको मिला है और वो चुनकर आने से हमें बहुत बड़ा आनंद है। लेकिन कमला हैरिस हार गई, इसका भी हमें दुख है। कमला हैरिस अगर चुनकर आती थी तो एक भारत की मूल निवासी वो है और डेमोक्रेटिक पार्टी की वो मतलब उम्मीदवार थी, तो वो हार गई है। लेकिन हमारे डोनाल्ड ट्रंप चुनकर आने से भारत और अमेरिका के संबंध और भी ज्यादा दृढ़ हो जाएंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर हमले हुए तो उन्होंने उसका विरोध किया था और भारत के इंडिया के रहने वाले जो लोग अमेरिका में हैं वो सब लोगों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी उन्होंने ले ली है और उनको पूरा सपोर्ट करने की भूमिका उनकी है। इसीलिए मैं डोनाल्ड ट्रंप जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।